फरीदाबाद में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। मौसम के बदलते मिजाज ने जहां कई तरह की बीमारियों को न्योता दिया है, वहीं वायरल फीवर के साथ डेंगू और चिकनगुनिया के डंक ने फरीदाबाद के लोगों को आतंकित कर दिया है। ऐसा लगता है कि पूरा शहर अस्पताल के बेड पर आ गया है। बुखार है, हाथ पैर में दर्द है, उल्टी है, ये बुखार बच्चे को 3 दिन से है। और आपको? मेरे को कल रात से। हालात की गंभीरता को सरकार भी समझ रही है, इसलिए तमाम बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पूरा डीके हॉस्पिटल को हमने बिल्कुल एक्टिव कर दिया है कि हमेशा डॉक्टर ड्यूटी पे रहें, कोई भी इस तरह का डेंगू का मरीज आता है तो उसको तुरंत कार्रवाई, उसका इलाज शुरू करें और उसकी किसी भी कीमत पर जान नहीं जानी चाहिए, इस तरह की व्यवस्था हमने की है। चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, डेंगू के मरीजों की संख्या 25 और मलेरिया के 85 मरीज अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर भी मरीजों की तादाद बढ़ती देख सतर्क हो गए हैं। चिकनगुनिया और डेंगू और मलेरिया के अगर मैं तीनों केसेस के बारे में बात करूं तो चिकनगुनिया इस वक्त हमारे पास 22 पॉजिटिव हैं, डेंगू के 25 केसेस पॉजिटिव हैं और मलेरिया के अब तक 85 केस टोटल पॉजिटिव आए हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल फीवर को लेकर सरकार और अस्पताल प्रशासन बेशक अपनी तैयारियों के दावे कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद भी इसके लक्षण दिखते ही सतर्क हो जाएं और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद।